सतना की एक और बेटी ने बिंद को गौरवान्वित किया है। सतना की लाडली निकिता ने आर्मी में जज एडवोकेट जनरल में लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन प्राप्त किया है। निकिता अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सदस्य है जिन्होंने देश सेवा के लिए भारतीय सेना को चुना है। उनके पिता कर्नल तथा दादा ब्रिगेडियर रहे हैं। सतना शहर के नजदीकी ग्राम हाटी के मूल निवासी रिटायर्ड ब्रिगेडियर कृष्णपाल सिंह की पोती तथा सेवानिवृत्त कर्नल विजयपाल सिंह के परिवार की तीसरी पीढ़ी ने भी भारतीय सेना में मुकाम हासिल किया है। इस बार परिवार की बेटी ने राष्ट्र सेवा के जज्बे के साथ भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है। विजयपाल सिंह की बेटी निकिता सिंह को जज एडवोकेट जनरल के तहत लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन प्राप्त हुआ है। निकिता ने इंटरव्यू के लिए चयनित 33 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है। इस पद के लिए सिर्फ 3 सीटें थी जिनमें अव्वल नंबर पर निकिता ही रही। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें एक गरिमामय समारोह में कमीशन प्रदान किया गया है। सतना और पूरे मध्य प्रदेश का नाम भारत में रोशन करने वाली 26 वर्ष की निकिता अब बॉर्डर पर जाएगी। चेन्नई में जब कमीशन सेरेमनी हुई तो बेटी की उपलब्धि ने मां प्रेरणा सिंह आउट पिता रिटायर्ड कर्नल विजयपाल सिंह का सिर सम्मान से और ऊंचा और सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। निकिता के छोटे भाई समर सिंह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। सतना शहर के समीपी ग्राम हाटी की मूल निवासी निकिता हाई स्कूल तक सतना के सेंट माइकल स्कूल में पढ़ी। इसके बाद उन्होंने पुणे में पढ़ाई कर बीए एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। निकिता ने डिग्री हासिल करने के बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा दी, उसमें भी सफलता हासिल की थी। निकिता को इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल लेटर आया था और वहाँ उन्होंने 3 पदों के लिए चयनित 33 प्रतिभागियों में पहला स्थान प्राप्त किया है। निकिता की माँ प्रेरणा सिंह बताती है कि निकिता के दादा ब्रिगेडियर कृष्णपाल सिंह भी इसी जीएजी ब्रांच में रहे हैं। नाना सुरेंद्र सिंह परिहार जाने माने वकील हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्टेट बार अनुशासन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। दादा और नाना दोनों कानूनविद थे, लिहाजा निकिता की रुचि बचपन से ही लॉ मैटर्स पर रही है। नाना सुरेंद्र सिंह भी चाहते थे कि उनकी नातिन फौज की जीएजी ब्रांच में जाए।